क्या हाल है दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज और आज हम बात करेंगे कुछ एस ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। लास्ट लेक्चर में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है, कुछ स्ट्रेंस को स्टडी किया है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक और आयनों की रेडियस एक्सेट्रा वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन लास्ट लेक्चर एंड यू कैन फाइंड दोज वीडियोज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, नाउ टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, जैसे कि हम जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप की जो एलिमेंट होती है उन्हें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। और फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स जैसे हम सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सब जो है वो फर्स्ट ए ब्लॉक, फर्स्ट ए ग्रुप की जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट है। ओके, तो हम जानते हैं कि एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। व्हाई इट इज, व्हाई दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव? बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी। इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और इनमें जो लिथियम एलिमेंट है उसका एक्सेप्शनल स्मॉल साइज होने की वजह से वो कुछ और ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है और वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट तरह के जो है बिहेवियर शो करेगा। हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। ओके ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड एयर। ये देखा जाता है कि जब एस ब्लॉक की एलिमेंट्स एयर के कॉन्टेक्ट में आती हैं तो ये ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स बनाने की टेंडेंसी रखती है। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है OPS। ये फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स के लिए आप एक ट्रेंड को जस्ट याद रखिए कि पहला एलिमेंट आई मीन लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा और बाकी की जो एलिमेंट है वो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, OPS। आप इस तरह से याद रखिए। ये होता है कि जब लिथियम एयर के कॉन्टेक्ट में जाता है तो ये Li2O टाइप का ऑक्साइड बना देता है, जबकि सोडियम जब एयर के एयर में एक्सपोज होता है तो वो Na2O2 होता है, दैट इज पेरोक्साइड, इट इज पेरोक्साइड OO लिंक हियर। ओके, यहाँ OO लिंक होता है इसलिए इसे पेरोक्साइड कहते हैं। O नेगेटिव एंड Na1 पॉजिटिव, राइट? तो ये पेरोक्साइड तरह का जो है ये लिंक इस ऑक्साइड में होता है इसलिए इसे पेरोक्साइड कहते हैं। और ये सोडियम जब एयर में एक्सपोज किया जाता है तो वो पेरोक्साइड बनाता है, ठीक है। बाकी के जो अदर एलिमेंट है इस ग्रुप के जैसे KRBCS, ये सब मिलकर जब एयर में एक्सपोज किए जाएंगे तो ये सब मिलकर सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड्स यू कैन सी हियर M+O2 इज इक्वल टू MO2। M यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और O2 नेगेटिव, यानी कि O2 1 नेगेटिव, दिस इज सुपर ऑक्साइड स्पीसीज। ओके, एंड व्हेन इट कमिंग टू द कॉन्टेक्ट ऑफ मेटल देन इट विल फॉर्म ए सुपर मेटल सुपर ऑक्साइड, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ओके, KO2। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि O2 1 नेगेटिव होता है, O2 1 नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है सुपर ऑक्साइड बन जाता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी आती है रिएक्टिविटी टूवर्ड वॉटर। जब ये फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं जब उन्हें वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये देखा जाता है कि हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, H2 रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसके केमिकल रिएक्शन जो है वो आप देख सकते हैं कि टू मेटल मिलकर जब दो वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो 2M+2OH, यानी कि MOH का होल ट्वाइस टाइप के, तो ये हाइड्रोक्साइड बना देता है और एक H2 का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। रिड्यूसिंग नेचर दैट मीन ये दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसकी इस टेंडेंसी को रिड्यूसिंग नेचर कहते हैं, ठीक है। अब ये किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है तो आप उसे कुछ इन इक्वेशंस के थ्रू जो है एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाएगा, ठीक है। अब बिकॉज ये रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है देन इट विल हैव टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज करना पड़ेगा रिड्यूसिंग नेचर शो करने के लिए। तो हम एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकाल सकते किसी मेटल से, पहले मेटल सॉलिड स्टेट से गैसेस फॉर्म में आएगा, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि यहाँ सब्लिमेशन एनर्जी होगी। अब जो गैसेस स्टेट में आया है मेटल वो आयनिक फॉर्म में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा,
तो इस प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन, और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होगा, ये होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। और अब ये रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करने जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिया है, यानी कि एम पॉजिटिव वाटर से रिएक्शन कर एम एक्वस बनाएगा यहाँ। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब किसी कैटायन मेटल के चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखा जाता है कि जितना छोटा ये पॉजिटिव कैटायन होगा, यानी कि जितना छोटा इसका साइज होगा, उतने ही ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल जो है इसके अराउंड कलेक्ट हो सकते हैं, अराउंड आ सकते हैं, तो उतनी ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो ये देखा जाता है कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन तो हम नहीं ले रहे, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। तो ये देखा जाता है कि टॉप टू बॉटम जो है वो साइज इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं एटॉमिक नंबर के साथ, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे टॉप टू बॉटम, तो एटम का साइज या आयन का साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो स्मॉल साइज है वो लिथियम का है, लिथियम का स्मॉल साइज होने की वजह से उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, तो इसलिए लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, यानी कि ये सोडियम से ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो है बिहेव करता है अपने पीरियड के एलिमेंट्स, अपने ग्रुप के एलिमेंट्स। ओके, दूसरी बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड हेलोजन। यू नो वेरी वेल, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। तो ये देखा जाता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से पार्शियली नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ड्यू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब क्या होगा जब ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्शन करते हैं तो ये MX टाइप के है, एक आयनिक सॉलिड बना लेता है, MX टाइप के आयनिक सॉलिड, याद रखना ये आयनिक सॉलिड होगा, आयनिक सॉलिड, ये आयनिक सॉलिड बनाएगा यहाँ पर, समझ गए, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम में कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, बाकी लिथियम को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आयनिक सॉलिड बनाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर एम की जगह लिथियम हो, जैसे लिथियम क्लोराइड, तो वो क्या होगा कि वो कोवलेंट कैरेक्टर का होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फैजान रूल स्मॉल साइज ऑफ कैटायन कैन मच मोर पोलराइज द नेगेटिव क्लाउड, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, दैट मीन हेलोजन। ओके, तो क्या देखा जाता है कि जो लिथियम है उसका स्मॉल साइज होने की वजह से जो हेलोजन पर जो नेगेटिव चार्ज का जो क्लाउड है उस क्लाउड को वो ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में पोलराइज कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो लिथियम का जो हैलाइड होगा वो कोवलेंट कैरेक्टर का होगा, बाकी सभी एलिमेंट्स के जो हैलाइड होंगे वो आयनिक कैरेक्टर के होंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हैलोजन्स के साथ फर्स्ट यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं, जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं तो वो आयनिक सोलिड बनाते हैं एक्सेप्ट लिथियम। और ऐसे ही अगर सेकेंड ग्रुप की बात करूं तो बीई, ओके, बीई सी एल टू हैव मच मोर कोवलेंट कैरेक्टर एज कम्पेयर टू आयनिक कैरेक्टर। ओके, तो जो लिथियम और बीई है एस ब्लॉक में वो जब हेलोजन से रिएक्शन करते हैं तो वो आयनिक सोलिड्स बनाते हैं एक्सेप्ट लिथियम और बीई। ओके, दूसरी बात आती है, नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, रिएक्टिविटी टूवर्ड लिक्विड अमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। जब ये देखा जाता है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो लिक्विड अमोनिया में सोल्युबल होते हैं, जैसे ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स को लिक्विड अमोनिया में ड्रॉप किया जाता है तो ये एक ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाते हैं, ब्लू कलर का सोल्यूशन हमें मिलेगा ड्यू टू द सोल्युबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इन टू लिक्विड अमोनिया। ओके, और वो ब्लू कलर सॉल्यूशन हमें क्यों मिलता है, किसकी वजह से वो ब्लू कलर आता है, वो देखा जाता है कि अमोनिएटेड जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से इसका इस सॉल्यूशन का जो कुछ ना कुछ जो भी होगा, जो भी कलर होगा वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। ठीक है, ऐसा होता है कि जब ये मेटल होता है, सपोज Na ले लें हम, तो Na सबसे पहले Na1 पॉजिटिव में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब ये जब अमोनिया में जाएगा तो
तो यहाँ दो स्पीसीज है, वन मेटल वन पॉजिटिव, ओके, अनदर स्पीसीज इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जो सॉल्यूशन में रिलीज हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन इन इस अमोनिया से रिएक्शन करके यहाँ दो तरह की स्पीसीज को जनरेट कर देता है, एक होता है MnH3 कॉम्बिनेशन और एक होता है इलेक्ट्रॉन NH3 कॉम्बिनेशन। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस दिस स्पीसीज, मेटल पॉजिटिव सेंटर पे होगा और मेटल पॉजिटिव का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा नाइट्रोजन के पार्शियली नेगेटिव को, यानी कि जो अमोनिया है वो किसकी वजह से इंटरेक्ट किया है इसके साथ, अमोनिया हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से कुछ इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके साथ कुछ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की वजह से बंध जाएगा। तो ये देखा जाता है कि मेटल के चारों ओर कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल, ओके। तो इसे कहते हैं अमोनिएटेड कैटायन, अमोनिएटेड कैटायन, बिकॉज मेटल इज पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। तो ये अमोनिएटेड कैटायन है, ओके। सेम इसी तरह जब ये मेटल अमोनिएटेड कैटायनिक फॉर्म में आया होगा, यानी कि आयनिक फॉर्म में आया है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया इसने, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज का है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज अमोनिया के मॉलिक्यूल को भी अपने चारों ओर एक्यूमुलेट करेगा वाया द इंट्रेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो पार्शियली पॉजिटिव है बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसकी वजह से जब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर अमोनिया है NH3, H, H, NH, तो ये पार्शियली नेगेटिव है बिकॉज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन पे कुछ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इंट्रेक्शन कर लेता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो इसके हाइड्रोजन से इंट्रैक्ट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन करके कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल को अपने चारों ओर एक्यूमुलेट कर लेता है। इस स्पीसीज को कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड मीन अमोनिया से घिरा हुआ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन जाता है यहाँ, इसकी वजह से ही ये सॉल्यूशन कलरफुल होता है। अब ये सॉल्यूशन भी दो तरह का हो सकता है ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो सकता है ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो, ओके। तो अगर ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो आप कहेंगे जो सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, लेकिन अगर ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो ये कलर ब्रोंज कलर हो जाता है, ब्रोंज कलर हो जाता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन होगा वो ब्रोंज कलर का होगा अगर ये कंसंट्रेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो हो जाएगा वो ब्रोंज कलर जो है वो दिखाई देगा आपको सॉल्यूशन का। दूसरी बात आती है इनकी, अब चूंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब हो सकता है ये पैरामैग्नेटिक हो, बिकॉज पैरामैग्नेटिज्म इज जनरेटेड ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो चूंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वजह से इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, तो इसकी वजह से ये सॉल्यूशन भी जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अब चूंकि ये सॉल्यूशन दो तरह का हो सकता है, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड, ओके। अगर ये डाइल्यूटेड है तो इस सॉल्यूशन का कलर तो ब्लू होगा और ये सॉल्यूशन जो है पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन अगर ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो ये ब्राउन कलर का होगा, लेकिन ये सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक हो जाएगा। व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक, बिकॉज जब ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स, पहले इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है चूंकि, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एक दूसरे से पेयरिंग हो जाती है। उस पेयरिंग की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिनिश हो जाते हैं सॉल्यूशन में। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो इस सॉल्यूशन की जो नेचर होती है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है ये, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात आता है कि ये जो सॉल्यूशन होता है वो एक कंडक्टर होता है, क्या होता है, कंडक्टर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है ये। ये कंडक्टिविटी किसकी वजह से आती है, ये देखा जाता है कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी आती है। एक छोटी सी बात अगर मैं बताऊं आपको, ध्यान से देखिए, अगर NaCl ले रहे हैं, NaCl जो है वो कंडक्टर होता है, क्यों होता है, क्योंकि आयनिक मोमेंट की वजह से। आयनिक मोमेंट जब ये सॉल्यूशन में जाएगा
जब ये डिसोसिएट होगा तो ये Na1 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, Na1 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। मैं यहाँ यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए। अब यदि हम NaCl को लें तो वो Na1 पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, तो ये कंडक्टेंस शो करता है, ये कंडक्टर है बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ आयंस, यहाँ आयंस की मोमेंटम की वजह से ये कंडक्टिविटी ये कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉपर वायर को देखें तो कॉपर वायर भी कंडक्टर होता है, आप देखते होंगे आप इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर वायर लगा होता है तो वो कंडक्टर होता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसमें तो कोई आयंस नहीं होते ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की मोमेंट की वजह से कॉपर वायर जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की मोमेंट, जो इलेक्ट्रॉन की मोमेंट होती है कॉपर वायर के सरफेस पे, उसकी वजह से क्या होता है, कॉपर वायर इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। सेम उसी तरह ये जो सॉल्यूशन होगा ये भी जो है वो कंडक्टर होता है ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मोमेंटम की वजह से ये जो लिक्विड अमोनिया का जो सॉल्यूशन होगा मेटल के साथ वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होगा, ये होगा मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी आती है, ये देखा जाता है कि दोनों ही सॉल्यूशन, चाहे वो कंसंट्रेटेड हो चाहे वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा डिफरेंस था ये कि जो जब मेटल जब एस ब्लॉक के एलिमेंट को लिक्विड अमोनिया में डाला जाता है तो वहां दो स्पीसीज जनरेट हो जाती है, एक अमोनिएटेड कैटायन और एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। ये सॉल्यूशन दो तरह का हो सकता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ब्राउन कलर का होता है, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक नेचर का होता है बिकॉज जब ये कंसंट्रेटेड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो चुके होंगे, तो इसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां अवेलेबल नहीं होते, तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों के दोनों केसेस में सेम रहेगी, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट डाइल्यूट वाला भी होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाला भी जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। यहाँ पर कुछ हमने चेंज देखा है, वो देखा है लिथियम के लिए। लिथियम एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज शो करता है बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल स्मॉल साइज, लिथियम का अपने ग्रुप में जो है स्मॉल साइज होता है, तो उसकी वजह से वो कुछ डिफरेंस शो करता है केमिकल प्रॉपर्टीज में एज कम्पेयर टू अदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। या अपने ग्रुप के जो और अदर एलिमेंट्स होंगे उनसे कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, ओके, और हाई आयनाइजेशन लो स्मॉल आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी होती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एक होती है स्मॉल आयनाइजेशन एनर्जी और एक होता है हाई साइज, जिसकी वजह से वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स आते हैं और रिएक्टिविटी अलग अलग शो करते हैं, एयर के साथ शो करें। एक बार और, जब ये एयर के साथ जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जब वो एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो ये तीन तरह के ऑक्साइड्स बना सकते हैं, फर्स्ट सिंपल ऑक्साइड, एक पेरोक्साइड और एक सुपरऑक्साइड। सुपरऑक्साइड कब बनेंगे, जब पोटेशियम आरबी और सीएस मेटल हो। पेरोक्साइड कब बनेगा, जब सोडियम हो लिथियम होगा तो ये ऑक्साइड बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एयर है, चूंकि एयर कई गैसेस का मिक्सचर है तो एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ अगर नाइट्रोजन भी है तो ये लिथियम नाइट्राइड बना देता है, ठीक है। क्या होता है, लिथियम नाइट्राइड बना देता है, देखिए यहाँ ये होगा लिथियम और ये N2 के साथ, चूंकि एयर में हो सकती है नाइट्रोजन, तो अब क्या करेगा ये NAli3, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइड लिथियम बना देता है, ठीक है, यानी कि लिथियम नाइट्राइड बना देता है ये। तो आप इसे बैलेंस कर लेंगे, आप इसे टू लिख लीजिए यहाँ 6 एंड यस, ओके। तो आप इस तरह का एक और नाइट्राइड जो है ऑक्साइड के साथ साथ कभी कभी रिएक्शन में बन जाता है, ठीक है, ओके, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड स्मॉल आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम कैन रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड कैन फॉर्म NAli3 टाइप स्पीसीज, ओके। सो ये कुछ रिएक्टिविटी थी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब हम इसके बाद कुछ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होंगे कुछ उनकी सिंथेसिस पढ़ेंगे और कुछ ट्रेंड भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।